अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5। लास्ट हमने करा था 7.4 करी थी, उसको जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 क्लास क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में सवाल क्या दिया हुआ है आपको? सवाल आपको दिया हुआ है सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल। या तो आपने मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है या आपने जो है वो इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। सही है, मैट्रिसेस से भी सॉल्व करना है और क्रैमर से भी करना है। सबसे पहले हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्रैमर्स रूल। मैट्रिसेस मेथड हम अभी नहीं, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं क्रैमर्स मेथड। ठीक है, क्रैमर्स मेथड में है क्या, आपको इक्वेशन दी हुई होगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स वेरिएबल होगा एक वाई वेरिएबल होगा, दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। और यही ये वो तरीके हैं जिससे आप जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दो मेथड हैं जिनसे आप एक ही सवाल में, एक सवाल के अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं जिनकी, और दो इक्वेशन दी हुई होती हैं जिससे आप क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं एक्स और वाई की। सही है, सबसे पहले मैंने एक पहला क्वेश्चन ले लिया। क्या दिया हुआ है आपको? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एक और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये देख लें, ये क्या दिया हुआ है, ये दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, और ये दोनों क्या दिए हैं आपको, कांस्टेंट नंबर दिए हुए हैं। सही है, सबसे पहले आपने जो है वो, ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है। अब इन दो इक्वेशन को सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहला मैंने लिखा सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स बोल दिया। ए क्या बोल दिया, 2 4। ये जो एक्स के वेरिएबल है ना, एक्स के जो कोफिशियंट है, एक्स के एक्स वेरिएबल के जो कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट क्या है 2, और दूसरे एक्स का कोफिशियंट क्या है दूसरी इक्वेशन में 4, ये पुट कर दिया। और वाई के कोफिशियंट क्या है 5, इन तीनों के साथ प्लस था तो प्लस तो आता नहीं है, लिखते नहीं है, और इसके साथ क्या है माइनस 2, और वाई के कोफिशियंट लिख दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 5 माइनस 2। सही है, अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आपने सबसे पहले जो है वो इसको सपोज कर लिया कि ये के बराबर है, एक्स के वेरी एक्स के कोफिशियंट लिख लिए, वाई के कोफिशियंट लिख लिए। सही है, अब मैं निकाल रहा हूँ इसका डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 4 5 माइनस 2। देख लें हम ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। ए क्या है 2, डी क्या दिया हुआ है माइनस 2, बी की वैल्यू क्या दी हुई है 5, और सी की वैल्यू दी हुई है 4। ठीक है, अच्छा 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 4, 5 4 20 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24। ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने,
अब आपने अगेन ए डिटर्मिनेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, गौर से देखें। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, गौर से देखें। जहाँ जहाँ एक्स वेरिएबल और एक्स कोफिशियंट थे, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू थी, वहाँ हम ये कांस्टेंट पुट कर देंगे। वहाँ हम ये क्या पुट कर देंगे, कांस्टेंट। कहाँ पर, इसकी जगह पे, इस टू और फोर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो ये आ गया 9, 1। और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू लिखेंगे, समझ रहे। इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं करेंगे, इससे पोजीशन चेंज करेंगे ना तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट बिल्कुल एंड में, तो इसको वाई की जगह पे लिख दो और एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू लिख दो, ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे यही कि जहाँ एक्स की वैल्यू थी वहाँ कांस्टेंट पुट होंगे, और जहाँ वाई की वैल्यू थी वहाँ हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लें। जब एक्स निकाल लें होंगे तो एक्स की वैल्यू पुट नहीं होगी। फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, सही है। अब पुट क्या करा, ए की वैल्यू क्या है 9, डी की वैल्यू दी हुई है -2, बी की वैल्यू दी हुई है 5 और सी की वैल्यू दी हुई है 1। 9 2 18 प्लस माइनस -5 5। अच्छा, -18 -5 किसके बराबर आ गया, -23। ये क्या आ गया, एक्स आ गया, सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल, क्या निकालना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जहां जहां y की वैल्यू होगी वहां क्या पुट हो जाएगा, कांस्टेंट। या y की वैल्यू, तो यहाँ क्या पुट हो जाएगा, यहाँ क्या पुट हो जाएगा, कांस्टेंट पुट हो जाएगा। और x की वैल्यू की जगह x की वैल्यू पुट हो जाएगी 2, 4। पोजीशन चेंज नहीं करना, मतलब जहां x की वैल्यू है वहां x की वैल्यू पुट होगी, जहां x की हटकर कांस्टेंट पुट होना है वहीं कांस्टेंट पुट होगा। वैल्यूज़ को मूव नहीं करना कि जो है वो एक्स की जगह पर आपने जो है वो वाई पुट कर दिया और वाई की जगह पे आपने जो है वो कांस्टेंट पुट कर दिया, तो इस चीज़ से आपने ख्याल रखना है। अब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिए, सी की वैल्यू दी हुई है, ए डी 4 है, 2 1 2 9 1 9 4 था, क्या हो गया 36, 2 -36 -34। ये क्या आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया काम, सही है। तीन डिटर्मिनेंट आ गए, गौर से देखें। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट आया जो पूरे मैट्रिक्स का आया, फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट आया जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आया, सही है। फिर इसके बाद वाई डिटर्मिनेंट आया जो विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिटर्मिनेंट आया, सही है। तो ये तीन तरह के डिटर्मिनेंट आ गए। अब गौर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो हम कैसे इसको देखेंगे। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए डिटर्मिनेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू क्या बनेगी, ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है,
ए एक्स का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, -23 और ए डिटर्मिनेंट क्या है -24। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -23 और टोटल डिटर्मिनेंट है -24। इसी तरह वाई इज इक्वल्स टू ए वाई, ए वाई कितना आया -34 डिवाइडेड बाय -24, यही आया, कुछ इसी तरह का डिटर्मिनेंट आया। अच्छा अब देखो इसमें क्या कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यकीनन कैंसिल आउट हो रहा होगा, और जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो साइनें कट रही हैं आपस में, तो आप देख लेते हैं साइनें किसकी कट रही हैं। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो एक्स इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 24 आ गया। इधर वाई इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 212 द 217 द, तो आ गया 17 अपॉन 12। सही है, इधर तो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, ये सही है। इधर जो है वो क्या मसला आ रहा है, इधर मसला आ रहा है ऊपर छोटा नंबर है नीचे, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो हमने कर दिया डिवाइड, 12 वन द 12, माइनस करेंगे 17 माइनस 12, क्या बच गया 5 बच गया, तो इसका आंसर आ गया 1 होल नंबर 5 अपॉन 12। इसी तरह करते हैं ना, जब ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर होता है तो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में जो आंसर आता है वो होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है और ये डिनोमिनेटर बन जाता है। नीचे आप इस तरह लिख लें, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, एक आंसर आया 23 अपॉन 24, एक आंसर आ रहा है 1 होल नंबर 5 अपॉन 12 आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल। सबसे पहले सवाल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले दो इक्वेशन दी हुई थी मुझे, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, सबसे मैंने होल का डिटर्मिनेंट निकाला ए डिटर्मिनेंट, फिर मैंने निकाला ए एक्स का डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना था, तो एक्स की जगह पे क्या कांस्टेंट आ जाएंगे और वाई की जगह पे वाई रहेगा, उसका निकाल लिया। फिर इसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना था, तो वाई की जगह पर कांस्टेंट आ गया और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू सेम रही, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एक्स का फॉर्मूला हमने बनाया ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, वाई का फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, दोनों की वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल लिया। तो सॉल्यूशन सेट एस डॉट एस का मतलब सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 24 कॉमा 1 होल नंबर 5 अपॉन 12। क्लियर है, अब हम कुछ दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -7, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -4। सॉल्व करने जा रहे हैं, आप ए नाम दे सकते हैं, आप डी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी ओन चॉइस है, एक्स नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, ठीक है, जो सपोज करना चाहे, मैंने ए सपोज करा हुआ है। सही, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 3 -3 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 2 3 -3 2, एक्स की वैल्यूज लिख ली, एक्स के वेरिएबल लिख लिए और y के वेरिएबल लिख लिए, y के वेरिएबल यही थे -3 और 2, और कांस्टेंट दिया हुआ है -7 और -4। सही है, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, AD माइनस BC, a क्या दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 2, माइनस b की वैल्यू क्या दी हुई है -3 और c की वैल्यू दी हुई है 3, 2 2 द 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, 4 प्लस 9 13, ये क्या आ गया ए डिटर्मिनेंट आ गया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस सेवन माइनस फोर, और वाई की जगह पे माइनस थ्री टू। ए डी बी सी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस सेवन, डी की वैल्यू क्या दी हुई है, टू, बी की वैल्यू माइनस थ्री, और सी की वैल्यू माइनस फोर। सेवन टू ज़ा फोर्टीन, माइनस फोर्टीन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन, माइनस का ट्वेंटी सिक्स आ गया। ये क्या आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई इज इक्वल्स टू, ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, टू थ्री। एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज आ गई, देख लें, एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज आ गई, वाई की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, माइनस सेवन माइनस फोर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, टू, डी की वैल्यू दी हुई है माइनस फोर, बी की वैल्यू माइनस सेवन, सी की वैल्यू थ्री, फोर टू दा एट, माइनस का एट, माइनस माइनस प्लस, सेवन थ्री दा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस एट क्या बच गया, प्लस का थर्टी, ये क्या आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ए डिटर्मिनेंट, और वाई इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। सही है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है, माइनस का 26, और होल डिटर्मिनेंट क्या आया है, 13। इसी तरह वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 13 और 13। सही है, अब अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इनको कैंसिल आउट करके इनकी जो है वो हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। सही है, देख लेते हैं हम, 13 वन दा 13, 13 टू दा 26, तो x की वैल्यू आ गई माइनस टू, 13 वन दा 13, 13 वन दा 13, y की वैल्यू आ गई वन। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू माइनस टू कॉमा वन आंसर। ठीक है, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री माइनस टू वाई। सही है, आपको सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले तो वो सवाल में ऐसा था होता था कि वो सवाल आपके पास सिंप्लीफाई हुए हुए होते थे, x और y की वैल्यू सिर्फ वो करनी होती थी, उनको मैट्रिसेस में बनाना होता था और आंसर निकालना होता। इसमें सबसे पहले इसको सॉर्टिंग करनी है इनकी, ये सॉर्ट नहीं हुए हैं, x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, कॉन्स्टेंट के साथ कॉन्स्टेंट आएगा, समझ रहे हो, ये अरेंज नहीं हुए, बेसिकली इसको हम कहेंगे ये अरेंज नहीं हुए। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, सही है, और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, सिंपल है अरेंज करना। गौर से देखिएगा, पहली इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूं,
ये प्लस टू है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो गया टू एक्स, ये प्लस का वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का वाई। तो टू एक्स माइनस वाई, इसको मैंने लिख लिया इस तरह, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। ये पहली इक्वेशन अरेंज हो गई कि एक्स और वाई की वैल्यू अरेंज हो गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन अरेंज कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री माइनस टू वाई, सही है, ये माइनस टू वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू थ्री, सही, ये हो गई दूसरी इक्वेशन अरेंज। ये दोनों इक्वेशनों को हमने अरेंज करा, सही है। अब इसको हम लिख लेते हैं अपने पास, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू थ्री, सही। अब इसको जा रहे हैं सॉल्व करने, सबसे पहले लेट ए इज इक्वल्स टू टू, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा ये बताएं, इधर कुछ भी नहीं है एक्स के साथ तो क्या होगा, हमेशा बात याद रखिएगा वन होगा, क्या होगा वन होगा, टू वन, इधर भी वाई के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा वन होगा बट माइनस का, और ये हो गया टू, क्लियर है। अच्छा सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें, फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए क्या है टू, डी क्या है टू, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन और सी की वैल्यू है वन, टू टू ज़ा फोर, माइनस माइनस प्लस वन, तो क्या आ गया फाइव आ गया ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया फाइव आ गया, सही है। अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, एक्स की जगह ये इक्वेशन को नहीं देखेंगे, अब हम इस इक्वेशन को देखते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन भी एक एक सवाल में दो दो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा, ये हमने बता दिया, सही है। अच्छा एक्स की जगह कांस्टेंट आ गया माइनस टू कॉमा थ्री, और वाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन और टू, फॉर्मूला क्या है ए डी माइनस बी सी। अच्छा ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको माइनस टू, डी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है टू, सही है, माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की माइनस वन, और सी की वैल्यू आपको दी हुई है थ्री, तो प्लस माइनस माइनस टू टू द फोर, माइनस माइनस प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन आ गया, ये आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये क्या आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। सही है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, देख लें, सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करा, उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमने इसको जो है वो सॉल्व करने की जो है वो पहले अरेंज करके ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसके बाद हमने इसको अब वाई डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे, देख लें हम। अब वाई की जगह बताएं क्या आ जाएगा, एक्स की जगह तो वही आएगा टू और वन, और वाई की जगह क्या आ जाएगा
माइनस टू थ्री, फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए क्या है टू, डी क्या है थ्री, बी की वैल्यू क्या है माइनस टू, सी की वैल्यू है वन, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस टू वन ज़ा टू, तो क्या आ गया एट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है एट आ गया। अच्छा अब क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, x क्या दिया हुआ है माइनस वन, माइनस वन ए डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ था फाइव, इसी तरह y की जगह ए वाई क्या दिया हुआ है एट, एट अपॉन क्या हो गया फाइव हो गया। अच्छा अब मसला ये आ रहा है, इसमें मसला ये आ रहा है कि ये तो चलें ठीक है x की वैल्यू, y में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऊपर आ रहा है बड़ा नंबर और नीचे आ रहा है छोटा नंबर, तो सबसे पहले हमने कर लिया इसको साइड में कर लिया डिवाइड, ऊपर आ गया एट, अंदर आ गया एट, फाइव बंदा फाइव, एट माइनस फाइव थ्री बज गया, तो क्या आएगा x की वैल्यू माइनस वन अपॉन फाइव और y की वैल्यू वन होल नंबर थ्री अपॉन फाइव, वन होल नंबर थ्री अपॉन फाइव, सॉल्यूशन है माइनस वन अपॉन फाइव, वन होल नंबर थ्री अपॉन फाइव, आंसर सही है यहाँ तक ऐसे हमने। अब हम एक देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम देख रहे हैं, ठीक है हमने पहले सॉल्व करा वन, फिर फोर्थ करा, फिर सिक्स करा और अब नाइन कर रहे हैं, ठीक है बकिया रिमेनिंग सवाल क्या होंगे आपके होमवर्क होंगे, वो आपने घर में बैठ के सॉल्व करना है, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, इसी तरह दूसरा दिया हुआ है दूसरी इक्वेशन 30x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 4। अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने। अच्छा पहली बात इसमें यह है कि जो है वो ये अरेंज हुई हुई है, तो हमें इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लेट a इज इक्वल्स टू 3 30 1 10, सही है। तो ये हमने इसको सबसे पहले तो हमने इसको देख लिया इस तरह, ठीक है 1 और 10 हो गया। अच्छा 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, ये 1 है, ये बात याद रखिएगा, सही है। अच्छा सबसे पहले हमने निकाल लिया a डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला हो गया ए डी माइनस बी सी, ए क्या दिया हुआ है थ्री, डी दिया हुआ है टेन, माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है वन और सी की वैल्यू दी हुई है थर्टी, थ्री टेन द थर्टी माइनस थर्टी। अच्छा मसला ये आया इसमें, देखें आप गौर से देखें, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है प्लस थर्टी माइनस थर्टी क्या हो गया ज़ीरो। अच्छा कभी भी डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट किसी भी सवाल में डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, और यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो आ रहा है तो आगे वो क्या सॉल्व होगा और क्या वैल्यू निकलेंगी, कुछ सॉल्व नहीं होगा, कुछ वैल्यू नहीं निकलेंगी, और वहाँ पे ये क्या हो जाएगा सवाल ख़त्म हो जाएगा और सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 1
4, 6, 9 चार क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6 सवाल होमवर्क हैं। क्वेश्चन 2, 3, 5, 7, 8 और 10 ये होमवर्क हैं। और बकिया जो मैंने क्लास वर्क में भी अभी क्लास में भी कराएं, ये भी आपने अपनी कॉपी में कर लेने, ये 4 सवाल और ये 6 सवाल आपने खुद ने करने हैं, सही है। तो ये आपका होमवर्क है। फिर इंशाल्लाह दूसरा मेथड दूसरी क्लास में हम देखेंगे, मैट्रिसेस मेथड। ये क्रैमर रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इन्हीं सवालों को हम मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।